कोरोना के बाद यहाँ काफ़ी महंगा हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये करीब करीब 1350 रुपीज़ लिए है पर हेड, मतलब 2700 हम दोनों के लिए। नज़ारा तो खैर पूरा रास्ता भरा पड़ा है नज़ारों से, और यहाँ पे एक छोटा सा फॉल्स मिल गया, हालांकि ये छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, आपको दिख रहा होगा। तो गूगल मैप ने हमें धोखा दे दिया, जाना था लाचेन की ओर, हम चले आए हैं लाचुंग। तो अभी यहाँ से इनसे पूछना था, नीचे जाना है कोई बेस कैंप के, वहाँ से हमें रास्ता फिर उल्टा लेना है, फिर वहाँ से लाचेन जाना है, लाचेन से हम थांगू के लिए निकले। गुड़दंगवा ट्रिप में सबको एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा स्नोफॉल मिल जाए, थोड़ा स्नोफॉल देख लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है, पर ऐसा सोचने में बहुत अच्छा लगता है, पर जो लोग स्नोफॉल फेस किए हैं गुड़दंगवा ट्रिप में, खासकर जब मतलब गुड़दंगवा का जो लास्ट जो 14 किलोमीटर्स के बाद जो चढ़ाई है, मतलब लेक से पहले जो आपका चढ़ाई है, वहाँ पर अगर स्नोफॉल हो जाए एक बार तो मामला काफ़ी दिक्कतदायक हो जाती है, ये मेरे को तो काफ़ी डेंजरस लग रहा है। हालांकि मन मन में मैं भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो जाए, पर फिर से अचानक से भी याद आया कि लास्ट का जो वो रास्ता है वहाँ पे अगर स्नो गिरा हुआ रहेगा तो मैं कैसे ऊपर की ओर जाऊँगा। देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ऊपर वाले का नाम लेके घर से निकले हैं, जो होगा अच्छा ही होगा, चलते हैं। और बाकी ठंडा जो है ये काफ़ी बढ़ गया है, सामने वाले पहाड़ पे जो है वो वहाँ धूप दिख रहा है, हमारे इस पहाड़ में जो है अभी छांव है, इसीलिए ठंडा का एहसास जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। और बाकी रास्ता काफ़ी से अबे 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 ये क्या हो गया, अबे पीछे मेरे गाड़ी था, ये कुत्ता सामने आ गया, मेरे पीछे स्कॉर्पियो था एक, उसने भी ब्रेक लगाया, इसको छोड़ता हूँ पहले, मैं तुम चला जा भाई, मैं डर गया, मैं मेरे को लगा ये बाइक के नीचे ही आ जाएगा अभी, हे भगवान रक्षा करना। बाकी तुंग विलेज जो है वो आ गए हैं, ये ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही जो है वो तुंग का जो चेक पोस्ट है वहाँ पे जो परमिट शो करना पड़ता है। बाकी चलते हैं, नज़ारा काफ़ी सही है, मैं हर नज़ारों को आपको दिखा तो नहीं पा रहा हूँ पर मैं फील कर पा रहा हूँ, बड़ा सनी सा डे है, काफ़ी अच्छा ठंडा भी है, मीठा मीठा सा, मतलब मस्त माहौल बना हुआ है पूरा, एकदम राइडिंग करने का जो एकदम मज़ा है वो पूरा बना हुआ है। बाकी ये है आपका परमिट का ऑफिस जो मैं आपको बता रहा था, बाकी यहाँ तो कोई है नहीं, ये बंद है क्या, अच्छा तो कोई और आगे बना होगा, तो चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं कि परमिट ऑफिस कहाँ है, तुंग में ही तो पहला चेक पोस्ट होना चाहिए, अच्छा तो वो सामने है। तो बताना चाहूँगा जो पुराने जो लोग आए थे वो उनके हिसाब से मतलब अभी जो है परमिट ऑफिस जो वो चेंज हो गया है, पहला जो था उससे थोड़ा ऊपर में है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सैनिटाइज़र स्प्रे होगा क्या, होगा क्या, नहीं हुआ, अच्छा ये बंद है, मेरे को लगा अभी स्प्रे होगा, हाँ जी सर रोकता हूँ। परमिट ऑफिस, यहाँ पे परमिट ऑफिस पे कुछ आपको करना नहीं होता, जो आपका परमिट रहता है उसका 3-4 जेरोक्स करा के रखे आप, और उसका एक कॉपी जो है वो यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। और देखता हूँ यहाँ पे, हाँ जी सर, अच्छा कैमरा खोल लेना है क्या, अच्छा अच्छा दोस्तों यहाँ पे कैमरा खोल लेना पड़ेगा, मिलता हूँ आपसे बाद में। तो डेस्टिनेशन जो है पहुँच गए, तो थांगू पहुँचना था आज, पहुँच गए, काफ़ी ख़राब हालत हुई हमारी, रास्ते में आते आते टेम्परेचर इतना डाउन हो गया, करीब करीब 1-2 डिग्री के आसपास चला गया, और आसपास का माहौल कुछ ऐसा है, मैं एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, थांगू ब्रिज जो है, नीचे से पानी जा रहा है, सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छा है। जो चीज़ बतानी थी मैंने बाइक रख के सोचा आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर दिसंबर जनवरी फरवरी तक का तो मुझे पता नहीं है, अगर इस सीज़न पे अगर आप थांगू वगैरह आते हैं तो आप पहले से बुकिंग करा के आए, क्योंकि यहाँ पे हर एक होम स्टे, मतलब हर एक तो नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर होम स्टे पे पूरा ताला बंद है, मैं आपको कुछ देर बाद जाके आगे जाके दिखाता हूँ, पूरा सारा होम स्टे बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे ठंडा इतना ज़्यादा है मैं ज़ोर से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब वर्ड एक के बाद एक शफल नहीं हो रहा है, एक पे ही अटक जा रहा है।
तो यहाँ पे ठंडा बहुत है। अभी मैं थांगू वैली में हूँ और पूरा हर एक होमस्टे यहाँ पे लाइन बाय लाइन पूरा होमस्टे है, पर सब में ताला मारा हुआ है। हम यहाँ पे आके एक मैडम से मिला, मैं वो वहाँ पे कुछ काम कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि होमस्टे वगैरह होगा, तो उन्होंने मुझे दिखाया ये लेंदुप खंसगर बोल के कुछ है यहाँ पे, जस्ट ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही पहला जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है। तो यहाँ पे मतलब डबल बेडेड कोई रूम तो है नहीं, यहाँ पे डॉर्मेट्री टाइप का आपका है, तो वो दो बेड वो बोल रहे थे कि 700 रुपीज़ पर हेड, तो मैंने उनको उसको बार्गेनिंग करके थोड़ा 500 में लाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, बिजली वगैरह कुछ नहीं है, अपना गैजेट्स वगैरह भी चार्ज नहीं कर पाऊँगा, मैंने लैपटॉप लाया नहीं है, लैपटॉप मैंने मंगन पे ही छोड़ दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने हमारा जो जितना भी लगेज वगैरह था सब वहाँ रख दिए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सामान लेकर हम लोग आए हैं, और नीचे जो आपका चेक पोस्ट था, क्या नाम था उसका, वो चेक पोस्ट का नाम तो मेरे को उतना खैर याद नहीं आ रहा है, वो उस चेक पोस्ट में पता चला कि गोदांगमार में स्नोफॉल हो गया कल रात को, तो आज से वो पूरा बंद है, तो कल का पता नहीं, कल शायद खुल जाए, रास्ते में सफाई चल रही है, और अगर खुल जाए तो निकलूँगा, थोड़ा अंदर जाते हैं, गर्म होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। टूरिस्ट यहाँ पे नहीं के बराबर है, पूरा थांगू वैली जो है ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। आप यहाँ तक आ सकते हैं, पर काफ़ी ठंडे के वजह से यहाँ कोई आके रह नहीं रहा है, और जो जितना भी होमस्टे है सब बंद पड़ा हुआ है, होमस्टे के जो मतलब मालिक है सब मतलब ऐसे सीज़न पे मतलब होमस्टे सब लॉक हो जाते हैं, लॉक करके सब ये नीचे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी स्नोफॉल कभी भी हो सकता है, तो एक बार अगर यहाँ स्नोफॉल हो गया तो यहाँ की जो यहाँ का मतलब जो लाइफस्टाइल है वो बंद पड़ जाता है। मैं ज़्यादा तेज़ बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि गुड़गांवमार का ऑक्सीजन लेवल जो है वो 3% है, तो थांगू वैली का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल का जो कमी है वो पूरा महसूस हो रहा है मुझे। तो मज़ा दोस्तों बहुत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम राइडर्स आ पाते हैं, क्योंकि इस सीज़न पे ये सीज़न इससे आगे भी मैं खुद ही गया हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत कम राइडर्स आते हैं, क्योंकि मैं खुद ही आया हूँ यहाँ पे, और इस सीज़न में ऐसा टेम्परेचर में आके यहाँ पे कोप अप करना, फिर मतलब साथ में मेरी वाइफ भी आई है, तो उनको मैं ज़्यादा बाहर निकाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से, या फिर अगर थोड़ा भी हाइक हुआ तो अगर सांस फूलने लगे तो कुछ दिक्कत वगैरह हो सकती है, क्योंकि उनको उतना आदत नहीं है। मैं जैसे कि माउंटेन में थोड़ा आता जाता रहता हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं प्रो हूँ, पर मतलब थोड़ा यूज़ टू हूँ मैं, और बाकी यहाँ पे आके और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी राइडर्स नहीं है, कोई भी टूरिस्ट नहीं है, बस खाली हम ही लोग हैं, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि कोई गाड़ी वगैरह कोई टूरिस्ट के कोई बंदे हैं ही नहीं, ऊपर पूरा सारा होमस्टे वगैरह पूरा बंद है। मैंने थोड़ा दूर बाइक लेके गया था, तो मैंने सारा पूरा ताला बंद देख के मैं फिर वापस आ गया। गुड़गांवमार में जाके तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था, हालांकि वो गुड़गांवमार में नहीं, वो हमारा चोलामू में जाने का प्लान था, मैंने प्लान था मतलब हम लोग गए थे पिछले, उस समय मैं वीडियो नहीं बनाता था, तो खैर गुड़गांवमार के बाद हम लोग चोलामू जाने का प्लान किए थे, तो चोलामू जाते वक्त इतना ठंडा था, माइनस तो था ही, कितना माइनस था वहाँ पे, मतलब नेटवर्क वगैरह काम नहीं करता तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊँगा, तो वहाँ पे दिमाग पूरा काम करना बंद कर देता है, मतलब आप रास्ते पे कहीं पे खड़े होते हो तो आप खड़े ही रहते हो, मतलब कुछ करने के लिए रुकते हो तो वो भूल जाते हो, ऐसी कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी थी। अब ये पता नहीं ये मेरा खुद का ऑल्टीट्यूड सिकनेस है या फिर ये सबके साथ होता है, मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया, और बाकी थांगू को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ आके, और जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी धूप है नहीं, मैं चश्मा पहना हुआ हूँ तो ये होता है, तो वैसे भी ये मेरा पावर का चश्मा है, तो इसे मैं खुलूँगा तो कुछ देख नहीं पाऊँगा, तो ये भी कारण हो सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं है। एक लॉज में मैंने पूछा था, तो इनका बुकिंग है, ये बोल रहे थे कि इनके 10 राइडर्स आने वाले हैं, तो मैं तो
थोड़ा कन्फ्यूजन हुई है, मतलब क्या बोले मैं उतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि आते वक्त बहुत राइडर्स को मैंने वापस जाते हुए देखा, तो वो बोल रहे थे कि थांगू पे रहना मुश्किल है। कोई भी, मैंने बहुत जन से पूछा कि थांगू में रह सकते हैं, बोले नहीं पूरा बंद है, सब बंद है, कोई नहीं है। वाकई में सब बंद है। मैंने ये जुगाड़ लगा के ये होमस्टे मैंने खोजा, बाकी ये इनका भी ये होमस्टे बंद ही था, मैं ही आके खुलवाया और इनका चूल्हा अभी जलने लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। आपको दिख रहा होगा यहाँ से धुआं निकल रहा है, यानी कि खाना वगैरह, गर्म पानी वगैरह, चाय वगैरह मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे आके फंस भी जाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने आर्मी कैंप है, वहाँ पे आप मतलब किसी भी मदद के लिए आप मांगेंगे तो वो देंगे, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे हम लोग एक बंदे को वहाँ पे रेस्क्यू करवाए थे, मतलब मैं और एक दोस्त था मेरा, मिठुन है उसका नाम, तो वो उनका एक मतलब टायर पंचर हो गया था कोई और ग्रुप का, तो हम लोग ने हेल्प करके फिर उनको आर्मी कैंप तक पहुँचाया, फिर हम लोग ने खुद भी जाके वहाँ पे चाय वगैरह पिया थोड़ा गर्म वगैरह होने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप मुसीबत में पड़ते हैं तो यहाँ पे आर्मी वाले हैं बचाने के लिए, बचाने मतलब आपको रेस्क्यू करेंगे, आपको सही सलामत अच्छी जगह पे आपको ठहराएंगे और फिर आपको ज़िंदा वापस करेंगे, इसीलिए इंडियन आर्मी है वो। तो मतलब गर्व होता है इंडियन आर्मी ये करने से, तो इसीलिए मैंने उनको रेस्पेक्ट देने के लिए ही जब मंगन से निकलते ही पहले ही चेक पोस्ट में हमको बोला गया था कि यहाँ पे कोई फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैंने संग संग उसको मैंने अपना एसजे कैम खोल के मैं रख दिया था, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर कुछ नहीं है, मेरा ये मामूली सा वीडियो अपने देश के लिए गद्दारी हो सकता है। तो इसीलिए मैं इंडियन आर्मी को बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ, आपने गौर किया होगा मैं हर एक वीडियो के लास्ट में जय हिंद बोलता हूँ, तो ये मेरी दिल से सलाम है इंडियन आर्मी को, जय हिंद। वो ठंडा तो काफ़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ खाने का भी बंदोबस्त उतना खास नहीं है, जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे खाली रात का खाना मिलेगा, और ये बोले कि चाय वगैरह भी अभी नहीं मिलेगा, सुबह मिलेगा खाली। तो हम लोग थोड़ा नीचे की ओर जा रहे हैं, देखते हैं कि कुछ खाना वगैरह मिलता है कि नहीं, और थोड़ा मोमो वगैरह या फिर गर्म चाय वगैरह मिलने से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत गिर गया है। और जाते हैं नीचे, बहुत ठंड है। तो रूम से निकल के कुछ देर आगे आते ही हम लोग को एक मैडम जी दिखी, तो हमने पूछा उनसे कि कुछ चाय वगैरह मिलेगा कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ आइए आइए हम आपको कॉफ़ी देते हैं। काफ़ी अच्छा, पूरा अच्छा, पूरा वार्म है, यहाँ पे खाना बन रहा है। ऐसी जगह पे आके ऐसी जगह पे बैठ के मतलब लोकल से बात करना, इनके मतलब ज़िंदगी के बारे में बात करना, या फिर यहाँ का कैसा कंडीशन है, ऐसी अवस्था में ये लोग क्या करते हैं, ये सब जानना एक अपने आप में अलग एक्सपीरियंस है। तो अभी इनसे थोड़ा बात करते हैं, कैमरा ऑन रहेगा तो ये लोग थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। तो बाकी ये है रूम, बहुत ही वेल डेकोरेटेड रूम है, ऐसी जगह पे मतलब ऐसा देखना बहुत ही मतलब रेयर है, ऐसे मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड है पूरा सब कुछ। तो ये लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, मतलब स्नोफॉल के बाद में, जो ऊपर जब मैंने पूछा उन लोगों से तो वो लोग एक दो दिन में मतलब ये थांगू छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने अंदर बुला के हमें चाय ऑफर किया। तो इनसे थोड़ा बातें करते हैं, इनका एक्सपीरियंस लेते हैं। और अभी मैडम भी खुश है, इनको चाय मिल गया है। हाँ। उनको बहुत ठंडा लग रहा था, सॉरी चाय नहीं कॉफी। तो चाय पीने के निकलने के बाद हमारी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया था, और हमारा कैमरा, फ़ोन, एक्शन कैमरा सब कुछ डिस्चार्ज हो गया था, यहाँ पे चार्ज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो रात में काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो गया था, माइनस तो था ही बहुत ज़्यादा, और सुबह तक -9, -10 जैसे आप पिक्चर में देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। कैमरा उठाना तो दूर की बात है, हम लोग खाना वाना खाने के बाद बिस्तर तक जाने तक का हिम्मत नहीं हो रहा था, मतलब बिस्तर पे जाके लग रहा है कि मतलब बिस्तर पे कोई पानी से भिगो के रखा है पूरा बिस्तर। तो थांगू में रात बिताना बड़ा चैलेंजिंग ये था हमारे लिए। और बाकी वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, इसके बाद जो है आपका गुरुद्वार का वीडियो आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है होपफुली। और वीडियो पे बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।